अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर, आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं सैमसंग गैलेक्सी A20 के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। हमेशा की तरह ये रिव्यू वीडियो नहीं है, इसके अंदर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा किन पॉइंट्स की वजह से आपकी डिवाइस परचेज करनी चाहिए, किन पॉइंट्स की वजह से आपकी डिवाइस परचेज नहीं करनी चाहिए, और डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स प्राइस के अकॉर्डिंग होंगे। तो इस डिवाइस की जो प्राइस है वो है 29,999, यानी कि डेफिनेटली 30,000 रुपीज़ इन पाकिस्तान। और सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो एंड्रॉयड 9 आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेटेस्ट तो नहीं है क्योंकि अब जाहिर एंड्रॉयड 10 भी आने वाला है, बीटास में चल रहा है, लेकिन लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतनी ज़्यादा डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं है, तो हाँ आप एंड्रॉयड 9 यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इसके अंदर सैमसंग की जो नई UI है, जो कि वन UI है, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रूव है सैमसंग की तरफ से, वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक्चुअली वो जो UI है ना, वो फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए बनी है और मिड रेंज डिवाइसेस में इतनी अच्छी सेटल नहीं हो रही है, लेकिन सम हाउ आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो और एक मतलब एक नया जो UI है ना, उसको इन्जॉय फाइनली सैमसंग वाले कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। सैमसंग ने फाइनली UI पे अच्छा काम किया। फर्दर बात करें तो इस डिवाइस की तरफ आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, तो डेफिनेटली जिन लोगों का जो ऑन स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए डिवाइस काफ़ी अच्छी होने वाली है। जिनको डिवाइस ज़्यादा देर यूज़ करने के लिए चाहिए होती है, उनको ये डिवाइस काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। USB Type-C देखने को मिल रही है, तो ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि ये चीज़ होनी चाहिए यार। 2019 अब सारी डिवाइसेस मेरे ख्याल से USB Type-C के साथ ही आनी चाहिए, तो वो भी अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर USB Type-C देखने को मिल रही है। फर्दर बात करता चलो तो ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल रहा है। अब ब्लूटूथ 5.0 मैं कहूँगा इतना बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको ऑलमोस्ट लेटेस्ट बहुत सी डिवाइसेस से बेहतर ब्लूटूथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वो भी अच्छी बात है। आपकी जो हैंड फ्रीज है या वायरलेस हैंड फ्रीज है, आप उनको अच्छे तरीके के साथ वायरलेस स्पीकर जो उनको अच्छे तरीके के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। रियर कैमरा को भी को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स में डाला है। 13 और 5 MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिला है आपको, वो अच्छी बात है। अब कैमरास के मामले में क्योंकि ये इतने भी अच्छे कैमराज नहीं है इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन सैमसंग नॉर्मली अच्छा रिजल्ट दे देता है बाकी कैमरा से, तो उसके मुताबिक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको अच्छा रियर कैमरा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब डिस्प्ले मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि बड़ा डिस्प्ले है। अब बहुत से लोगों को बड़ा डिस्प्ले पसंद होता है, तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो जिन लोगों को बड़ी डिस्प्ले वाला फ़ोन पसंद है, वो इस डिवाइस को डेफिनेटली परचेज़ करेंगे, क्योंकि ये भी अच्छी बात है। साथ साथ आपको इसका डिज़ाइन फ्रंट का काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। वाटर ड्रॉप नॉच है, छोटे से बेजल्स हैं, बॉटम का थोड़ा बेजल है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए काफ़ी बेहतर डिज़ाइन है, तो मैं कहूँगा ये भी एक अच्छी बात है सैमसंग ने यहाँ पर जो किया, और बैक का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहले मैं डिस्प्ले ही लेकर आऊँगा कि 720p डिस्प्ले है। इस प्राइस रेंज के अंदर हमें 1080p डिस्प्ले भी देखने को मिल जाते हैं, तो सैमसंग ने यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी किया 720p डिस्प्ले डालकर। ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले बहुत ही बुरा है, लेकिन प्राइस के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1080p डिस्प्ले आना चाहिए था, लेकिन 720p डिस्प्ले उससे काम चलेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कि प्राइस के मुताबिक मुझे डिस्प्ले की रेजोल्यूशन जो है वो कम लगी है। साथ ही साथ 32 GB इंटरनल स्टोरेज, अब यार 32 GB इंटरनल स्टोरेज तो वाकई बहुत कम है इस प्राइस रेंज के अंदर। मतलब 30,000 का फ़ोन है, कम से कम 64 GB इंटरनल स्टोरेज ज़रूर होनी चाहिए थी, तो ये भी इस डिवाइस का नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ 3 GB रैम, अब मुझे नहीं पता सैमसंग यहाँ पर क्या सोच रहा है 32 और 3 का कॉम्बिनेशन लेकर आया है 30,000 की डिवाइस पे, जबकि बहुत ही डिवाइस अवेलेबल है इससे कम प्राइस में भी, इस प्राइस में भी जो 64 और 4 दे रही हैं। तो यहाँ पर सैमसंग ने मैं कहूँगा थोड़ी सी कंजूसी कर दी है, थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी खासी की है। 3 GB रैम दे दी आपको, जो मेरे ख्याल में मल्टीटास्किंग के लिए डिवाइस इतना अच्छा नहीं होने वाला, तो ये भी कहूँगा यहाँ पर ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अब फ्रंट के ऊपर आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिल रहा है। फ्रंट का कैमरा अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन प्राइस के मुताबिक देखा जाए ना तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा कैमरा मोर ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए था। अगर वो थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव होता तो ज़्यादा बेहतर है। हुआवे की डिवाइसेस इस प्राइस के अंदर आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा दे रही है, तो आई थिंक थोड़ा इंप्रूव कैमरा यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था प्राइस के अकॉर्डिंग। नहीं, वैसे कैमरा ठीक है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा कैमरा लो है, ये ऐसा मुझे फील हुआ है। अब आते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ। प्रोसेसर का ना तो नेगेटिव पॉइंट है ना ही पॉजिटिव पॉइंट है। प्रोसेसर को मैंने रखा है मिड में, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो ठीक ठाक है, एवरेज प्रोसेसर है। 7884 Zynex का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है आपको। 7885 डालते जो थोड़ा मेरे अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जानी थी, 7884 भी ठीक है, तो मिड रेंज में कह सकता हूँ कि मिड रखा है यहाँ पर। प्रोसेसर को मैं ज़्यादा
डिटेल में नहीं लेके जा रहा, बस ठीक सा प्रोसेसर है। अब ये डिवाइस इसलिए ले रहे हैं कि आपको बहुत ही हैवी गेमिंग करनी है, तो ये डिवाइस उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है यार। प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है हैवी गेमिंग के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये डिवाइस ना परचेज़ करो हैवी गेमिंग के लिए। गेमिंग होगी, ठीक ठाक होगी, पबजी भी चलेगी, सारी गेम चलेगी, लेकिन वो जो एक चीज़ होती है ना हैवी गेमिंग की, प्राइस के अकॉर्डिंगली ठीक है, लेकिन एक हैवी गेमिंग वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है, तो वो चीज़ देख लेना। साथ ही अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए, आपका यूज़ सोशल नेटवर्किंग का काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो फ़ोन है ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप इस तरह के बंदे हैं जो काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें क्लिक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेल्फीज़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल में सेल्फीज़ लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ जो स्टोरेज जो है मेरे ख्याल से वो भी कम है, तो ये चीज़ भी देख लेना। अब नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों मैंने शेयर कर लिए हैं, अब आपके मुताबिक जो से पॉइंट्स ठीक हैं उसके मुताबिक आप डिवाइस परचेज़ कर सकते हो। बस यही था इस वीडियो के अंदर, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।